ट्विटर के ऊपर आकर आप इमरान खान से रिलेटेड अगर कोई बकवास करेंगे ना, तो यकीन करें अगले तसल्ली के साथ आपको पहले पेलेंगे, ठीक है, फिर आपको घर तक छोड़ के आएंगे और रस्ते में भी जाते हुए आपको पेलेंगे, और घर के बाहर आपके बुए के ना आपको एक दो फिर पेल के अंदर फेंकेंगे। ये मैं आपको बता दूं पीटीआई वालों का, क्योंकि फारूक ने अब तक कितनों को पेला है? यार मैंने तो किसी को नहीं छोड़ा, मुझे तो बहुत तप है भाई ट्विटर के ऊपर। खूबसूरत लड़कियां जब नून लीग को सपोर्ट करती हैं ना, ना क्या वो फीलिंग नहीं बताई जा सकती सकलैन, वो बस बंदा आ ही बढ़ता है बस। तो बाकी मायजा की जहाँ तक बात है, गुजर है तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो पढ़ी लिखी पता नहीं अब कितनी है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यार ट्विटर के ऊपर सबसे फिट बात ये है, आप चवल मारेंगे ना ऐसा रंदा फेरते हैं अगले आपको, ओए होए होए रू राजी हो जाती है। चलो मैं तो हूँ ही हूँ, लेकिन कुछ लोग मेरे से भी बहुत आगे हैं भाई, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। पश्तों में रीच को कहते हैं, कौन है रीच? रीच वही है ना, वो एमल वली और कौन है, चार सद्दा में इसने लड़ना है इलेक्शन, वो कल चार सद्दा वाली नारे मार रहे थे मैलो मैलो, वो मुझे लगा माइलो है कि खान साहब माइलो शैलो पिया करें कुछ जान शान बनाए। वो बाद में पठान से मैंने पूछा, मैं कह मेलो क्या, उसने कहा रीच को कहते हैं हम। अच्छा उसने कहा ना रीच को कहते हैं, मुझे खुदा की कसम नहीं पहुंचना पड़ा कि ये रीच किसको कह रही है। ये बात मान ले पाकिस्तानी कौम भाई, इन्होंने ऐसी सर ये इन्होंने पता क्या किया, मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि सकलैन और इन्वेस्टमेंट करते हैं, सकलैन के माइंड में पहला क्वेश्चन क्या आएगा, पैसे लगानी है किसी जगह। सर इन्होंने इंसानों पे इन्वेस्टमेंट की है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पक्की पक्की जगहों के ऊपर ना अपने जो है ना बंदे एडजस्ट किए, वही तरक्कियाँ करते करते ऊपर आ गए। ये पढ़ी लिखी लॉर्ड जो नून लीग को सपोर्ट कर रही होती है, आपको क्या लगता है क्यों कर रही है? वो अपने अब्बे अम्मा के पीछे, क्यों पता है यार वो ओबलाइज है इनके, उनकी नौकरियां लगाई, उनके कुर्सियां लेकर दिलवाई, तो वो अपने अम्मी अब्बा को क्यों नहीं वो करेंगे? तो वो टेक्निकली नून लीग को नहीं कर रहे होते डिफेंड, वो अपने अम्मी अब्बा को कर रहे होती हैं कि जब ऊपर से गंद गिरेगा ना नून लीग का, तो फिर तो हमारे अम्मी अब्बे भी रगड़े जाएंगे। तो वो कहते हैं कि इससे पहले कि अपने खानदान पर रंदा फिरे, इनको सपोर्ट करनी शुरू कर दो, सिंपल। इसी वजह से वो चवले मार रहे होते हैं। और जब और यार ट्विटर के ऊपर खूबसूरत लड़कियाँ जब नून लीग को सपोर्ट करती हैं ना, ना क्या वो फीलिंग नहीं बताई जा सकती सकलैन, वो बस बंदा आ ही बढ़ता है बस। खूबसूरत तो मायजा भी है, जिसने अभी कुछ दिन पहले देखा किस तरह से उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ट्विटर। हाँ हाँ हाँ, वो चेक करो यार, मतलब इमरान खान के ऊपर हर मैं कब से सुन रहा हूँ इसकी ज़बान नहीं ठीक। अच्छा ज़बान क्या नहीं ठीक, चलो उसको डीजल कह दिया, फलाने को ये निक नेम दे दिए ना, तो तुम भी दे लो। आजकल तो मेलू भी आया हुआ है, वैसे मेलू क्या है? पश्तों में रीच को कहते हैं। कौन है रीच? रीच वही है ना, वो एमल वली और कौन है, वो वहाँ के अपने उनके लोकल कह रहे हैं भाई, तो इसका मतलब यह है कि तेरी अपने घर में इज्जत नहीं है, तो तू इधर पूरे मुल्क पे कब्जा करने के ख्वाब देख रहा है, पहले कार में तो इज्जत बना ले यार। चार सद्दा में इसने लड़ना है इलेक्शन, वो कल चार सद्दा वाली नारे मार रहे थे मैलो मैलो, वो मुझे लगा माइलो है कि खान साहब माइलो शैलो पिया करें कुछ जान शान बनाए। वो बाद में एक पठान से मैंने पूछा, मैं कहीं मैलो क्या, उसने कहा रीच को कहते हैं हम। अच्छा उसने कहा ना रीच को कहते हैं, मुझे खुदा की कसम नहीं पहुँचना पड़ा कि ये रीच किसको कह रही है, वो इमीडिएटली मेरा जहन चला गया। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो बाकी मायजा की जहाँ तक बात है, गुजर है तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो पढ़ी लिखी पता नहीं अब कितनी है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यार ट्विटर के ऊपर सबसे फिट बात ये है, आप चवल मारेंगे ना ऐसा रंदा फेरते हैं अगले आपको, ओए होए होए रू राजी हो जाती है। चलो मैं तो हूँ ही हूँ, लेकिन कुछ लोग मेरे से भी बहुत आगे हैं भाई, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। तो ये ट्विटर के ऊपर आकर आप इमरान खान से रिलेटेड अगर कोई बकवास करेंगे ना, तो यकीन करें अगले तसल्ली के साथ आपको पहले पेलेंगे, ठीक है, फिर आपको घर तक छोड़ के आएंगे और रस्ते में भी जाते हुए आपको पेलेंगे, और घर के बाहर आपके बुए के ना आपको एक दो फिर पेल के अंदर फेंकेंगे। ये मैं आपको बता दूं पीटीआई वालों का, क्योंकि फारूक ने अब तक कितनों को पेला है? यार मैंने तो किसी को नहीं छोड़ा, मुझे तो बहुत तप है भाई, मुझे तो मेरा पता है सकलैन बड़ा सिंपल सा है, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ जो इस सारे सेटअप को देख रहा है, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। इमरान खान को वह सपोर्ट करता है और दिलो जान से करता है, उसने इमरान खान का 3.5 साल का टेन्योर भी देखा, उसने इमरान खान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा भी देखा, फेक न्यूज़ भी देखी, सब कुछ देखा, लेकिन उसको पता था कि क्या चीज़ कैसे हो रही है। दो कि मैं कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है, तो अब अगर आप मुझे बताओ, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ और मैं इस जगह पर पहुँच गया हूँ, तो भाई फिर आप जब मेरे से रिलेटेड बात करेंगे ना, तो फिर मैं ये हक रखता हूँ इस डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी है ना आप जमहूरियत कहते हैं ना, तो फिर मुझे हक है मैं जो मर्ज़ी बोलूँ, मैं आपको गालियाँ नहीं दूंगा समथिंग लाइक दैट, लेकिन मैं अपने हिसाब से फिर आपसे सवाल ज़रूर पूछूंगा। मेरा यही फिलॉसफी पीटीआई से रिलेटेड भी है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब ये
लॉन्ग मार्च हुआ था ना 25 मई वाला, बिल्कुल, जिसमें मेरी वो वीडियो बड़ी वायरल चली गई थी और वो सारा कुछ हुआ था, हालांकि मुझे चुका नहीं गया, बड़ी मेहरबानी है उनकी। तो उसमें मैंने कुछ पीटीआई के लीडर्स का सुना, हमें पुलिस ने रोक लिया, हमारी बारी ये हो गया वो हो गया। तो मैंने ना एक वीडियो बनाई, मैंने कहा गुजरात से आगे मेरा गांव है, ठीक, मैंने कहा मेरे कज़न्स गाड़ी के ऊपर 25 मई की सुबह इस्लामाबाद पहुंचे हुए थे, मैंने कहा अगर वो आ सकते हैं तो तुम लोगों को क्या खुरक है, तुम लोग क्यों नहीं पहुंच सके, और अब तुम लोग इधर बैंड डाल रहे हो कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, तुम्हें क्या लग रहा था कि ये तुम लोगों के लिए फूलों के हार पहनाएंगे, तुम्हें जेलम के पुल के ऊपर वो फूलों की पत्तियां लेके खड़े होंगे और नाच रहे होंगे आओ जी आओ, वो ऐसे नहीं होता भाई, को कम अज़ कम कोई काम करना है ना खान के पीछे तो फिर बंदे के पुत्रों की तरह करो, वरना मेरे जैसे बहुत हैं जो तुम लोगों को फिर तुम्हारी बता देंगे, डेमोक्रेसी है भाई, काम करना पड़ेगा, वरना छुट्टी करो किसी और को आने दो, सिंपल, काम करने स्टे, बोल बच्चन अगर सिर्फ देने हैं ना वो हम तुमसे ज़्यादा अच्छे दे लेते हैं, वो हमें रख लो, फिर काम किसी और से करा लो, बोल बच्चन हम दे देंगे, अल्लाह लाते खैर सल्लाह, लेकिन काम करोगे तो रुकोगे, सिंपल यार, सिंपल। तो मैं, मेरा कोई नहीं, जो गलत करेगा फारू तो उसे रंदा फेरेगा, सिंपल।